सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज़ यावर एंड राइट नाउ अगेन आई एम एट 3A Goat Farm. तो इंशाल्लाह हर हफ्ते ही आना हो रहा है इधर. तो वापस से इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ आप देखोगे गोट सब पे. 2 से 3 वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह मैं. तो ये पहली वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा अमान भाई का. बहुत सारे क्वेश्चनिंग भी थी लोगों की गोट्स के रिलेटेड, तो वो भी सब जानेंगे. तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अमान भाई. वालेकुम सलाम. खैरियत खैरियत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है भाई. तो कैसा चल रहा है भाई फार्म पूरा सेटअप आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, है ना. और वीडियो से भाई रिस्पांस कुछ आ रहा है? आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. अभी नया चैनल है फिर भी? नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई, बहुत आया है रिस्पॉन्स, आया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आया है, है ना. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी जो ये तो फर्स्ट इंट्रो वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो जो सेलिंग के रहेगी, कितने बकरे रहेंगे अपने पास वो सेल के? सेल के अपने 6-7 पकड़ के चलो रहेंगे, 6-7 बकरे. और प्राइस कैसा रहेगा भाई, मेन चीज़? प्राइस मैं बोलूँ तो भाई रिजनेबल रहेगा, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा. एक्चुअली मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कस्टमर के हिसाब से, अगर मैं भी देखूँ तो लोग भाई सस्ते बकरे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. भले लोग क्वालिटी में बहुत कम लोग देख रहे हैं, लोग खाली मेन आजकल प्राइस देख रहे हैं. बहुत सारी जगह है जैसे भिवंडी हो गई, ये सब जगह लोग एकदम सस्ते जानवर दे रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना. उधर रेट भी कम है और बकरे भी मतलब ठीक ठाक क्वालिटी में, तो लोग वो ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं. अपने पास क्वालिटी है लेकिन आपका रेट बहुत बहुत तो नहीं बोलूंगा, बट उन लोग के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही है. तो उस पर क्या बोलेंगे अमन भाई कि क्या करें, मतलब आगे कैसा फिर रहेगा? अगर ऐसा कैसा है मालूम है भाई, क्योंकि मैं लॉट वगैरह वो सब लाता हूँ, बकरे लाता हूँ ना, तो 1 महीना तो मैं सेट करता हूँ भाई लोग को जी. मिनिमम 10 से 15 दिन तो पकड़ के चलो मेरे को सेट करने में जाते हैं. अभी जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जिनके पास मतलब इतना स्पेस नहीं कि वो मतलब रख के थोड़ा सेट करे हुए, उन लोग क्या मतलब लाके सीधा सेल कर डायरेक्टली सेल कर. हाँ अभी मैं अपने जानवर सेट करता हूँ भाई, तो मेरी कॉस्टिंग आजकल दाना वगैरह वो सब भी देख सकते हो आप कितना महंगा है. बराबर कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब भी देखना पड़ता है. तो वही इसको ऐसे भाई अपना रेट थोड़ा ज्यादा रहता है, इतना भी ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा ज्यादा रहता मानता हूँ. जो लोगों को क्वालिटी की समझ है भाई वो तो ले लेंगे, वो तो लेकिन आजकल लोग यही सस्ते जानवर ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में वही चल रहा है ट्रेंड, सस्ता वही चल रहा है, सस्ता धमाका धमाका. तो अपने पास भाई अभी पलाई चार्जेस क्या है? वही है सेम रेट जैसे 2000 रुपये. 2000? और अपने पास से अगर कोई बकरा, ऐसा तो नहीं है कि अगर अपने पास से लेता तो अपने पास ही रखना पड़ा, कहीं भी दे सकते, कहीं पे भी दो ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं. ठीक है, तो एक बार अंदर चलते फार्म, एक ओवरव्यू दे देंगे, है ना. कुछ चेंजेस हुई है अमन भाई? चेंजेस देखें, चेंजेस तो कुछ नहीं है भाई. कूटे उटे का सिस्टम नहीं है ना, वही पुराना ही है ना, पुराना है. ये माशाल्लाह इसके शॉर्ट्स भी डाला था मैंने. ये वो बीमार है भाई, है अच्छा, अभी लोगों को सलाइन लगने वाली है, सलाइन लगा इधर. अच्छा सलाइन से बता रहा हूँ भाई, बकरे बीमार पड़ते हैं, ये मौसम ऐसा है, हर फार्म पे होता है, हर फार्म पे होता है. लोगों की अपनी, कोई बताता है कोई नहीं बताता, आपकी बात अच्छी है कि आप बता दो. ये सब पलाई के जानवर है? हाँ भाई, ये भी अपने कर्नाटक वाले भाई है उनका, कर्नाटक. हाँ फेरोज भाई है कर्नाटक में. अच्छा हाँ, अभी मैं ये एक बोलना नहीं चाहूँ, उनका मैंने एक बकरा बेचा था, थोड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से डेथ हो गई, मॉर्टेलिटी हो. ठीक है ना भाई, आप ट्रांसपेरेंसी बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है. तो अपन ने कब आजी मारा? नहीं भाई टाइम हो गया. अच्छा टाइम हो गया मार के, तो अपन ने उनको अच्छा रिप्लेस दियो. हाँ. आपने अपने पास से दियो? हाँ. कुछ चार्जेस नहीं लिया आपने इसका? चार्जेस नहीं लिया, मतलब जो वो बकरा वो रेट का था. हाँ हाँ, तो मतलब वही मतलब थोड़ा ऊपर करके मैंने उनको वो बकरा दे दिया. अच्छा, अगर कोई यहाँ पर लेता है, किसी अल्लाह ना करे मोर्टेलिटी होती है, तो आप रिप्लेसमेंट में दूसरा जानवर दोगे? वैसा नहीं है, मतलब नहीं नहीं, मतलब मैंने एक मोहब्बत में दे दिया भाई. अच्छा अच्छा, क्योंकि उनका शौक बहुत है, मैंने देखा हूँ भाई. अच्छा अच्छा, ऐसा है. और जो अपने पास बाड़े फॉर रेन थे वो है अभी अवेलेबल? एक तो अपने रेहान भाई है, उन्होंने ले लिया. अच्छा, और एक बाकी है. कौन सा वाला बाकी? ये वाला जो है, इसमें जो बकरे ये ये सब शिफ्ट होएंगे ना? अच्छा अपने बकरे ये, अपने बकरे भाई. हाँ, तो क्या चार्जेज है भाई? 10,000 with labor. 10,000 with labor. खाना वाना सब? सब सामने वाले का भाई. ये बाड़ा, ये बाड़ा रेहान भाई का है, इधर ही है रेहान भाई. हम्म,
ये सब अपने बकरे थे ना लास्ट टाइम दिखाए थे, जो फॉर सेल के है वो अलग जगह रखे हुए, अभी आने वाले नीचे वाले थे। जो फॉर सेल के अभी इसमें नहीं है ना, दूसरी जगह रखे अभी आएंगे इंशाल्लाह, सेकंड वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे अपन। ये बच्चा देखो कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बनूर का बच्चा भाई, इतना प्यारा, एकदम ट्रेन में बैठा है जाके। ये भी देखो यावर भाई, ये साहिल भाई गोरेगांव से, हाँ हाँ इनका कोटा आया था पलाई पे। हाँ पलाई पे थोड़ा ही टाइम हुआ, बीमार पड़ा है मैं। अच्छा। फर्स्ट मंथ है ना भाई, रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को फर्स्ट मंथ है ना पूरा बकरा सेट करने में जाएगा। अच्छा, सेकंड मंथ से इंशाल्लाह। तो वेट गारंटी है, वेट गेनिंग की गारंटी अपने? गारंटी कुछ नहीं है भाई, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वेट गेन भी अल्लाह के हाथ में भाई, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। सही बात है, बराबर। जो मैं ट्रांसपेरेंसी से सब बता रहा हूँ भाई, कौन सा बकरा बीमार है क्या है मैं सब बता रहा हूँ, क्लियर? हर एक फार्म पर रहता ही है भाई, रहता ही, बराबर, सही बात है। क्लाइमेट ही ऐसा हो रहा है, अपन खुद ही बीमार हो रहे हैं। एटलीस्ट बारिश निकल जाए उसके बाद। मगर आपका जो बकरा भी आएगा ना भाई, फर्स्ट मंथ है ना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब मेंटेन रहेगा बकरा, मगर उसको थोड़ा चेंजेस आएगी आएगी भाई। बराबर, सही आप 5 किलोमीटर से बकरा लेके आओ या 2 किलोमीटर से लेके आओ, नई जगह पे सेट करने टाइम जाता ही है भाई। सही बात है ना, ये एक ओवरव्यू था अमन भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट वीडियो अपन फॉर सेल का शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ मैं। अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।